नमस्कार दोस्तों, यशस्वी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारा क्वेरीज आ रहा है, इसलिए ये वीडियो बनाया है। आगे बढ़ने से पहले आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़िए। हमारे थ्रू अगर डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स में अकाउंट खोलेंगे तो इस मंथ में आपको 750 रुपीज़ तक का बेनिफिट मिल सकता है। जीरो दा ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन आपके पास चॉइसेस है, और आपको अकाउंट ओपन करने से सारे प्री अपडेट्स मिलेंगे, इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट आइडिया जो हम देते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ये आलोक इंडस्ट्रीज का चार्ट आप देख रहे हैं, हम इसको रिपीटेडली डिस्कशन भी कर रहे हैं। मैंने जो ये स्टॉक को आपको बोला है, आलोक इंडस्ट्रीज को, आलोक इंडस्ट्री आपको होल्ड करके रखना है, और इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया है। तो आप शॉर्ट टर्म में इसको बार बार क्वेरीज पूछ रहे हैं, क्या होगा, ये डीलिस्ट तो नहीं होगा, बंद तो नहीं होगा, जो भी होगा ये अच्छा ही होगा। इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरी है, और इसका असेट ये एक वैल्यू है। आप इसको बिल्कुल ही होल्ड करके रखिए। जो अभी फिलहाल आज का जो क्लोज हुआ है, आलोक इंडस्ट्रीज 3.6 में क्लोज हुआ है, जो चार्ट आप देख ही रहे हैं, ये अभी काफ़ी नैरो रेंज में घूम रहा है, और आपको बहुत बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज इसने दिया है। मार्केट में पैनिक कंडीशन में इसमें भी गिरावट आई थी, ये कंटिन्यूस गिरावट यहाँ पे आई है, उसके बाद यहाँ पे रिकवरी किया था, अगेन ये गिरावट आई मार्केट पैनिक कंडीशन में, देन यहाँ पे कंटिन्यूस अप रहा, फिर यहाँ पे अगेन थोड़ा सा ये हो गया। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। रिलायंस एंड जेएम फाइनेंशियल असेट मैनेजमेंट कंपनी, इनको 5050 करोड़ में ऑलरेडी डील के लिए फाइनल हो चुका है, जो लेंडर्स एग्री कर चुके हैं, और इसी का एनसीएलटी में प्रोसीडिंग चल रहा है। एनसीएलटी का लेटेस्ट प्रोसीडिंग जो है 4th एंड 5th अक्टूबर को था। 4th एंड 5th अक्टूबर का हियरिंग में खास कोई ऐसा रिजल्ट मिला निकला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 10th ऑफ अक्टूबर रखा है, मतलब नज़दीकी डेट रखा है। और ये जो 5th अक्टूबर का हियरिंग है, उसका आपको अगर रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए। इसमें लिखा है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज द मैटर इज अर्जेंट, लिस्ट द मैटर ऑन 10/10/2018, मतलब आज का दिन में इसका नेक्स्ट हियरिंग था। होपफुली हम लोग रिजल्ट हमको मिलेगा। सारे सारे जो भी है, सभी में इसी टाइप का है, 4th एंड 5th का 2 दिन इसका हियरिंग हुआ है। इसमें अब तक का पॉजिटिव जो आपको ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, कोटक बैंक ने विड्रॉ कर दिया था, और SBI ने अपना नॉमिनेशन डायरेक्टर का हटा दिया था। ये 2 पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पे हुआ है। और अब अगर हमारा ट्रेड सेटअप्स आपको हमारे ट्रेड्स अभी अगर देखेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में ज्वाइन कर सकते हैं, ये वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में जुड़ के आपको अपडेट मिलते रहेगा। जो जिन्होंने हमारे थ्रू अकाउंट ओपन किया है, उनके लिए अपडेट्स, फुल अपडेट हम देते हैं, और यहाँ पे हम पार्शियल अपडेट देते हैं, एक मतलब फुल्ली अपडेट नहीं देते हैं। फिर भी यहाँ पे भी हम काफ़ी कुछ अपडेट देते रहते हैं, तो आप ये चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई क्वेरी होगा या डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है। थैंक यू।